जय हिंद साथियों, सभी साथियों का बदायूं डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं किस मुद्दे पर वीडियो लेके आऊँ, अभी मैं मकान पर था तो घर पर मैं जाता तब तक रात हो जाती, तो मैंने सोचा कि यहीं पर एक वीडियो शूट कर ली जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आपकी जो रनिंग है फतेहगढ़ आर्मी भर्ती की और बरेली आर्मी भर्ती की, जितने 12 जिला लगते हैं सभी जिलों की भर्ती है और 3 से 12 अगस्त तक आप लोगों की भर्ती चलने वाली है, जिसमें किसी का फिजिकल बेस्ट होगा और किसी का फिजिकल बहुत बेकार होगा। तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो फुल वॉच करें। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं आ रही है अभी और आपके पास समय कम बचा है, तो मैं साथियों कुछ वर्कआउट लिख के लाया हूँ जो मैंने वर्कआउट अपने लाइफ में किया था, उस वर्कआउट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरा वर्कआउट लगभग 7 दिन आप अगर पूरा कर लेते हैं तो आप इसका जो भी परिणाम होगा उसको आप खुद ही स्वतः ही देख लेंगे साथियों। और मैंने वीडियो इसलिए ही बनाना उचित समझे कि आप लोगों का भला हो और आप लोग सेना में रनिंग क्वालिफाई करें। साथियों, मैं अपने वर्कआउट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे आप निश्चित रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में ही आपको सारे चीज़ डिटेल दे दूँ। साथियों, हम दिन से स्टार्ट करेंगे सोमवार। सोमवार को आपको 4 चक्कर का वार्म अप करना है। इस वार्म अप के बाद आपको 1200 मीटर के 2 चक्कर मारने हैं साथियों, और वो भी स्पीड टाइमिंग में सारे, और 800 मीटर के 2 मारने हैं और 600 मीटर के 2 मारने हैं और 100 मीटर के 6 मारने हैं साथियों। ये आपका मंडे का वर्कआउट रहा। अगर आप लोग ना समझ रहे हैं तो वीडियो को वापस करके आप देखते रहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी साथियों, मैं बनाऊंगा ज़्यादा टाइम तक। और साथियों, मंगलवार के लिए 40 मिनट आपके लिए पहाड़ी या आप रेत में या आप किसी ऊंची जगह पर आप 40 मिनट लगातार कंटिन्यू आप दौड़ते रहिए, ये आपको करना है। और उसके बाद आप 100 मीटर के लिए 100 मीटर के 4 शूट मारेंगे, उसके बाद आप रेस्ट ले लेंगे। और साथियों, बुधवार के लिए 1500 मीटर के 2 चक्कर लगाने हैं आपको, और 200 मीटर के 5 चक्कर लगाने हैं, और 800 मीटर के 3 चक्कर लगाने हैं, और 100 मीटर का 1 चक्कर लगाने हैं साथियों। और गुरुवार का 2000 मीटर लगाने हैं, 1 चक्कर लगाना है, और 500 मीटर के 6 चक्कर लगाने हैं। और साथियों, शुक्रवार के लिए आपको 5 किलोमीटर का इंडोरेंस करना है, और आप धीरे धीरे दौड़ेंगे और इसमें आपको बॉडी फुल स्ट्रेच करेंगे, आप बॉडी को पूरा खोलेंगे, हर प्रकार के एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज साथियों मैं अपनी वीडियो में लाता रहूँगा, वो एक्सरसाइज आप देखते रहना। और साथियों, शनिवार को आप 1600 मीटर की टाइमिंग लेंगे कि आपकी क्या टाइमिंग आती है और इतने में आपको क्या बेनिफिट हुआ। अगर साथियों आपको बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें उसी टाइम। और साथियों, 1600 मीटर वाले दिन ही आपको 1000 मीटर का वार्म अप करना है और 400 मीटर के 2-2 स्पीड में लगाने हैं। और साथियों, रविवार को आपके लिए क्या करना, रविवार को आपको 5 से 10 किलोमीटर स्टेप बाय स्टेप रनिंग करना है, बिल्कुल आपको ना शुरुआत में खींचना न ही लास्ट में खींचना है। अब साथियों, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि रेस्ट क्या, इसमें वर्कआउट में रेस्ट तो है नहीं, तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों की भर्ती पास में है, अब रेस्ट रनिंग क्वालिफाई करने के बाद ही रेस्ट लेना। और साथियों, जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो आप 2 दिन पहले ही रनिंग छोड़ देंगे और आपके पास 10 से 12 दिन आपके पास हैं, और उसमें 2 दिन आप रेस्ट लेंगे और इसमें भी आप रेस्ट लेंगे तो आप रेस्ट में सारा समय निकल जाएगा। मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो रेस्ट में कुछ नहीं रखा है, और रेस्ट आपको 2 दिन को मिलेगा, 1 दिन जब घर पर रेस्ट लेंगे और दूसरे दिन आप वहाँ पर फतेहगढ़ ग्राउंड पर पहुँचेंगे। और साथियों, ऐसे ही जब तक आपकी रनिंग चलती रहेगी, जिस लड़के का नंबर आता रहेगा वो 2 दिन पहले अपनी रनिंग को छोड़ दे और अपने तेल की अच्छे से मालिश करे, और कच्चे तेल की मालिश करे साथियों, और जितना भी हो सके आपके लिए पानी ज़्यादा पिएं और जूस का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि आपकी बॉडी फुर्ती में रहे, और चावल का थोड़ा कम सेवन करें साथियों, और दालों का सेवन अधिक करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बेनिफिट आपको मिले, अगर आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाए, तो मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है साथियों, और मिलते हैं।